बोलो सियावर रामचंद्र की। नमस्कार, मैं भारती। अयोध्या का विवादों से पुराना नाता है। त्रेता से पहले राम का वनवास, फिर सीता का त्याग, कलयुग में आक्रमणकारियों द्वारा मंदिर ढहाकर मस्जिद निर्माण, तो अब अयोध्या को न्यायालय से न्याय मिला। पर विवाद अब भी अयोध्या का साथ नहीं छोड़ रहा। जहां एक ओर उत्सव की तैयारियां हैं, वहीं दूसरी ओर अयोध्या अब भी राजनीति में घिरी है। आज विशेष में बात इन्हीं मुद्दों की। बोलो सियावर रामचंद्र की। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भव्य आयोजन में नागपुर की शिव गर्जना टीम अयोध्या में अपनी प्रस्तुति दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चंपत राय ने खुद इस टीम को निमंत्रण भेजा है। यह टीम पहले भी अयोध्या में प्रस्तुति दे चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने नागपुर की शिव गर्जना टीम को निमंत्रित किया है। यह निमंत्रण अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि इन्हें अयोध्या में 24 जनवरी और 25 जनवरी को सामूहिक घोष गर्जना के लिए निमंत्रित किया है। बता दें कि इससे पहले नागपुर की शिव गर्जना टीम ने 20 नवंबर को अपनी टोली के साथ अयोध्या में 4-5 स्थानों पर वाद्य यंत्रों के साथ सामूहिक गर्जना की थी। ऐसे में अब श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर वाद्य यंत्रों द्वारा सामूहिक रूप से अयोध्या में फिर से सामूहिक गर्जना करें। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निमंत्रण के बाद शिव गर्जना ने अभ्यास शुरू कर दिया है। नागपुर के शिव गर्जना के प्रमुख प्रदीप टेटी ने बताया कि 250 लोगों की टीम है। इनमें से 111 ढोल ताशा बजाने वाले कलाकार अयोध्या जाएंगे। वहां पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग धुन बजाएंगे। 24 से 25 जनवरी को राम मंदिर परिसर, हनुमानगढ़ी एवं अयोध्या के प्रमुख जगहों पर नागपुर की शिव गर्जना ढोल ताशा की टीम अपनी कला प्रस्तुत करेगी। इससे पहले भी नागपुर की शिव गर्जना टीम ने नवंबर महीने में अयोध्या में अपनी कला का प्रदर्शन किया था। इसी से प्रभावित होकर तीर्थ क्षेत्र ने उन्हें निमंत्रित किया है। उनकी इस कला से प्रभावित होने के बाद उन्हें राम मंदिर लोकार्पण कार्यक्रम में ढोल बजाने के लिए निमंत्रित किया गया है। इन युवाओं ने 3 धुनों का चयन किया है। यही धुन वह अयोध्या में बजाने वाले हैं। बता दें कि शिव गर्जना की टीम ने 20 नवंबर 2023 के दिन अयोध्या में अपनी अपनी प्रस्तुति दी थी। 20 नवंबर को भी ट्रस्ट के चंपत राय ने उन्हें निमंत्रित किया था। उनके निमंत्रण पर 20 नवंबर को टीम ने अयोध्या में अपनी कला की प्रस्तुति दी थी। इस दौरान सभी ने पूरी टीम की सराहना की। इस दौरान चंपत राय ने कहा कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उन्हें यहां पर प्रस्तुति देनी है। अभी तीर्थ क्षेत्र से पत्र मिला है कि 22 तारीख की सुरक्षा की वजह से वहां पर इनका परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, इसलिए 24 और 25 जनवरी को ये कलाएं प्रस्तुत की जाएंगी। नागपुर के पोथारेश्वर राम मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद यह टीम नागपुर से निकलेगी। 1.5 से 2 घंटे तक यह लोग वहां पर भी अपने वाद की प्रस्तुति करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। जहां एक ओर भाजपा की हर बैठक में इन दिनों राम मंदिर की तैयारियों का मुद्दा छाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में इसको लेकर असमंजस की स्थिति आखिर समाप्त हो गई। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह निमंत्रण मिलने के बाद भी राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से एक बयान जारी कर इस पर सफाई दी गई है। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता ठुकरा दिया है। पार्टी की ओर से एक बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण सम्मान पूर्वक अस्वीकार कर दिया गया है। 22 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम के लिए सोनिया गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे समेत कोई भी कांग्रेस नेता
अयोध्या नहीं जाएगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी कर कहा कि पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए निमंत्रण मिला था। करोड़ों भारतीय भगवान राम की पूजा करते हैं। धर्म मनुष्य का निजी मामला रहता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी और आरएसएस ने अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। बोलो सियावर रामचंद्र की। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि यह नेहरू की कांग्रेस है, महात्मा गांधी की नहीं। कि यह प्रवृत्ति जो आज कांग्रेस ने दिखाई है, एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। परंतु मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, कांग्रेस अब मंदिर का बहिष्कार कर रही है, कांग्रेस पार्टी के साथ पता नहीं कौन सी समस्या है। जब भारत का इतिहास करवट ले रहा होता है, तब तब कांग्रेस बहिष्कार कर रही होती है। देश में GST लागू हुआ, तब कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया। G20 भारत में हुआ, तो राष्ट्रपति के भोज का बहिष्कार किया। GST लागू हुआ, भारत के कर संरचना में, टैक्स स्ट्रक्चर में ऐतिहासिक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, उसका बहिष्कार किया। G20 अभी अभी हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि 20 राष्ट्राध्यक्ष और वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए। क्योंकि मैं पुनः विनम्रता से कह दूं कि नॉन अलाइन समिट भी हुआ था, पर नॉन अलाइन समिट उस समय वर्ल्ड का पावर सेंटर नहीं माना जाता था, एंड G20 इज कंसीडर्ड एज अ पावर सेंटर। उसमें महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भोज का बहिष्कार किया। अरे, भारत की शक्ति का कितना बड़ा उद्भव था। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, अब मंदिर का बहिष्कार कर रही है, कांग्रेस पार्टी के साथ पता नहीं कौन सी समस्या है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। आज जब रामलला के विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो भी कांग्रेस विरोध कर रही है। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद आज जब यह अवसर आया है, तब कांग्रेस इसका बहिष्कार कर रही है। आज जब अयोध्या में श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, और उस समय एक बार पुनः कांग्रेस ने अपनी उसी प्रवृत्ति के अनुरूप, क्योंकि यह भारत के इतिहास का ऐतिहासिक पल है, यदि आजादी 800 साल की गुलामी के बाद हमें मिली थी 1947 में, यद्यपि कांग्रेस ही कहते हैं 200 साल की गुलामी, हम कहते हैं 800 साल की गुलामी, तो यह 500 साल के संघर्ष के बाद भारत का वह स्वाभिमान उभर कर सामने आने जा रहा है, जिसके की लिए सरदार पटेल ने कहा था सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय कि जब जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो सोमनाथ की अट्टालिकाओं ने आकाश को छुआ था। जहां एक ओर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां चल रही थी, वहीं देश के दूसरे हिस्से में कांग्रेस और भाजपा के बीच बाक युद्ध चल रहा था। भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। और आज इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गंवाया है, ये कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शाता है। अब बताइए, इससे ज्यादा क्या होगा कि श्री राम जन्मभूमि केस में जो बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे, उनको इनवाइट किया गया है। यह हिंदू धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है। बहरहाल, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है, यह तो कांग्रेस जाने। फिलहाल निमंत्रण को ठुकरा कर कांग्रेस की किरकिरी जरूर हो गई है। अंकुर कुमड़िया, सी न्यूज, आगरा।
बोलो सियावर रामचंद्र की। जैसे जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राम के चरित्र को जानने के लिए लोगों में उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि रामचरितमानस छापने वाली गीता प्रेस में रामचरितमानस की प्रतियां कम पड़ गई हैं। गोरखपुर से छपने वाली रामचरितमानस की पुस्तक गीता प्रेस से खत्म हो चुकी है। गीता प्रेस प्रबंधक ने इसकी पुष्टि की है। अयोध्या में प्रभु राम के गृह प्रवेश और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पूरे देश में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। इसकी धूम विदेशों में भी देखने को मिल रही है। वहीं अयोध्या के बारे में जानकारी कैसे होगी, इसके लिए रामचरितमानस की पुस्तक खरीदकर लोग पढ़कर पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं। रामचरितमानस की पुस्तक की कमी हो गई है, जिसको लेकर गीता प्रेस प्रशासन अतिरिक्त पुस्तकों की व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि घोषित हुई है, तब से रामचरितमानस की मांग बढ़ गई है और रामचरितमानस के साथ सुंदरकांड और हनुमान चालीसा भी मांग बढ़ी है। रामचरितमानस जो हम पिछले वर्षों में लगभग एवरेज में 75,000 महीने की हम दे रहे थे, इस वर्ष हम भी देख रहे थे हम लगभग 1,00,000 के आसपास आपूर्ति किए हैं, लेकिन मांग इतनी बढ़ती जा रही है कि हमारे पास स्टॉक बच नहीं रहा है, बन रहा है रामचरितमानस और ट्रकों पर लद करके चला जा रहा है, हमारे ब्रांचों पर भी मांग बहुत ज़्यादा है। गीता प्रेस प्रशासन बढ़ रही मांग को देखते हुए अतिरिक्त पुस्तक छापने के लिए व्यवस्था करने में जुटा है। बोलो सियावर रामचंद्र की। आज विशेष में फिलहाल इतना ही। हम कल फिर मुलाकात करेंगे किसी और खास मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। बोलो सियावर रामचंद्र की।